हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक पोएम के ऊपर है और ये स्टैंडर्ड वन के लिए है, ठीक है। और चैप्टर फोर है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। और इसका पोएम का नाम है नो पेंसिल, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत छोटा सा कविता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नो पेंसिल, नो मार्कर, नो पेन ब्रश, नो पेन, नो नथिंग टू ड्रॉ विथ और पेंट विथ अगेन, ओके। उसके बाद देखो इधर क्या है, नो ब्लू पेंट, नो ग्रीन पेंट, नो पिंक पेंट, नो रेड, मम टेक्स देम अवे व्हेन कलर माय हेड, व्हेन आई कलर माय हेड, ओके। और इसका मतलब, ये कविता का जो कवि है उनका नाम है केन नेस्बिट, ओके, या फिर केन नेस्बिट भी बोल सकते हो तुम लोग। तो इसका जो मीनिंग है बहुत आसान मीनिंग है, बहुत ही, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो पिक्चर्स दिया गया है यहाँ पे, बहुत फनी सा पिक्चर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बच्चा है, वो अपने सर के ऊपर मतलब हेड में बहुत सारे कलर ऑलरेडी गिरा चुके हैं, मतलब लगाए हैं। तो इसीलिए शायद होगा कि बच्चे जब घर पे बदमाशी करते हैं, हम सभी को पता है, तो वो कलर लेके कुछ कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, इसीलिए उसकी मम्मी ने उससे सारे कलर छीन लिए थे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था। और इसीलिए वो कह रहा है कि नो पेंसिल, मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, नो मार्कर, मार्कर भी नहीं है, पेन ब्रश भी नहीं है, पेन भी नहीं है, नो नथिंग टू ड्रॉ विथ और पेंट विथ अगेन, मतलब फिर से कुछ पेंट करने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कलर भी नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उससे जो कलर है वो छीन लिया है, मतलब क्योंकि इतना गंदा करके रखा है इसीलिए शायद छीन लिया होगा। तो यही है कविता का मीनिंग, बहुत आसान सा कविता है, बहुत प्रिटी सा छोटा सा कविता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो हम जल्दी से इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देयर आर टू थिंग्स इन ईच रो, ठीक है, ईच रो में टू थिंग्स है दैट यू कैन डू विद दिस थिंग्स, ओके, सर्कल द करेक्ट आंसर। जैसे पेंसिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, रीड तो नहीं, पेंसिल को हम रीड तो नहीं कर सकते, पेंसिल को हम ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं एंड राइट मतलब लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो, जैसे पेंट ब्रश, एड पेंट, कलर, तो इसमें हम पेंट को लगाएंगे एंड कलर को लगाएंगे, राइट, एंड राइट ड्रॉ और फाइट, तो मैं मार्कर से हम राइट कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेन के साथ डांस, अंडरलाइन, राइट, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं पेन के साथ एंड राइट भी कर सकते हैं, कुछ लिखते भी हैं हम पेन के साथ, ओके। बी नंबर में देखो, आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही जैसे छोटा सा कविता है वैसा ही आंसर है, मतलब क्वेश्चन आंसर है, कलर द बलून्स दैट हैव नेम्स ऑफ द थिंग्स विच द स्पीकर्स मदर टेक अवे, मतलब जो जो चीज़ें ले लिया था उसकी मदर ने, उस वो यहाँ पे लिखा हुआ है और वही बैलून को हमें कलर करना है। तो मैंने वो कलर नहीं किया है, मैंने टिक मार्क कुछ हद तक कर दिया है, तुम लोग देख के अपने अपने से कर सकते हो, ओके। उसके नीचे हम देख लेते हैं, वाई डज द स्पीकर्स मदर द टेक अवे ऑल हीज थिंग्स, क्यों उसकी मदर ने उससे सारे चीज़ें छीन लिया था, बिकॉज द स्पीकर्स कलर्ड हीज हेड, That's why his mother take away all his things. ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं,